आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। सिख का आज का सबक। दांत के अम्बदन टुकड़े जिस पर किसी हाकिम या बादशाह का नाम का ठप्पा होता है वे सिक्का कहलाता है। जैसे आजकल पैसा, पाई पैसा और आंधा तांबे के सिक्के हैं, दोअन्नी चवन्नी अठन्नी और रुपया चांदी का, अशर्फी सोने की। हाकिम या बादशाह के नाम का ठप्पा इस बात की सनद और जमानत है कि सिक्का खरी धात का है और जो वजन उसका मुआयन है उसमें पूरा है। जो लोग खोटे सिक्के बनाते और चलाते हैं वो हाकिम के हुक्म से सजा पाते हैं। जब तक सिक्के का रिवाज ना हुआ था, चीज़ों से चीज़ों का मुबादला होता था, जिस तरह गांव और कस्बों में ज़रूरत के वक्त अब भी होता है। गल्ला देकर तरकारी खरीदते हैं, कपास के बदले घी, तेल, नमक ले आते हैं। सिक्के बगैर रोज़मर्रा की छोटी मोटी लेन देन तो हो सकते हैं, मगर बड़ी तिजारतों का चलन मुमकिन नहीं, खासकर बड़े शहरों में जहाँ तरह तरह के पैसे होते हैं। सिक्के की सख्त ज़रूरत है। अगर सिक्कों का चलन ना रहा तो तुम ख्याल कर सकते हो सरकारी खजाने में रुपए के तो और के बजाय क्या हो। हर किस्म के गल्ले, मेवे, तरकारी, हर जिन्स के चौपाए, हर तरह के असबाब और काट कबाड़ महसूल के तौर पर जमा हुआ करते और वही सरकारी मुलाजमों के तनख्वाह में तकसीम हो। अगर सिक्के ना होते तो एक ही मन गेहूं या चना और घी खरीदने के वास्ते उपलोक के मालिक पूरी दो गाड़ी भरकर मंडी ले जाया करता। इस तरह बड़े बड़े हाकिमों को उनकी तनख्वाह के तौर पर गल्ला और असबाब दिया जाता तो उनके रखने और उनके मकान हरगिज़ काफ़ी न होते। सिक्के से तिजारत और लेन देन में बड़ी सहूलत होती है। हर शख्स अपनी मेहनत या अपने माल के एवज में सिक्के ले लेता है और जब चाहता है उसके बदले अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुआफ़िक हर चीज़ खरीद सकता है। धात और सब चीज़ों से ज़्यादा मजबूत और वजनी होती है। वजनी हम उस चीज़ को कहते हैं जो जगह कम घेरती है। तमाम धातों में तांबा, चांदी और सोना बहुत अच्छे हैं, इसी वास्ते इनका सिक्का बनाया जाता है। आइए इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं। सनद, सबूत, जमानत, जिम्मेदारी, मुआयन, मुकर्रर, मुलाजिम, नौकर, सहूलत, आसानी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई परेशानी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएं। शुक्रिया।